अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में लेवरी बनाने का एक अलग तरीका बताएगा। तो दोस्तों, लेवरी बनाने का एक वीडियो पहले भी हमने अपलोड किया था, लेकिन वो तरीका अलग था, ये तरीका सबसे अलग है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख सकता है, इस बस का लेवरी है और इस बस का लेवरी है। ये लोग आखिर कैसे बनते हैं, ये इसके ऊपर डिज़ाइन कैसे देते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेवरी है, इसके ऊपर आखिर लोग डिज़ाइन कैसे थे, तो मैं बताता हूँ सारा तरीका इस वीडियो में। आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, वो भी पेक्सार्ट ऐप में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले आपने आना है मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, स्क्रीन आने के बाद आपने आना है पेक्सार्ट ऐप पर, क्लिक करना है और फिर इसके बाद थोड़ा वेट करना है। ये जमा वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से एक फ्रेम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये एक अलग फ्रेम है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इसको डाउनलोड करो। तो दोस्तों, फ्रेम क्लिक करने के बाद आपने आना है ये ड्रा वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने कलर देना है, ये कलर कोने में जो ऑप्शन है, ये कलर का ऑप्शन है, जो कलर आपको पसंद है वही कलर दे दो, ठीक है। मैं सोर कलर पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये चार कोने वाला जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है, ये फेल करना है, ठीक है। उसके बाद ओके करना है और इसके बाद इसको इस तरीके से लाना है, ठीक है। इस तरीके से आपने लाना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है, इस तरीके से लगाना है। अभी इसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने थोड़ा नीचे आ जाना है, ये एवरली इस पर क्लिक करना है। ये हो गया, ये सादा लेवरी हो गया। अब फिर इसके बाद हमने डिज़ाइन देगा इसको, इस सादा लेवरी का हम डिज़ाइन देगा। कलर का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से एक कलर को सेलेक्ट करो जो आपकी मर्ज़ी है, मैं इस कलर पे क्लिक करता हूँ। और इसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद ये गोल जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके करना है। तो ओके क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ पर लगाना है, इस तरीके से लगाना है यहाँ पर, ठीक है। इसको इस तरीके से लगाना है और फिर इसके बाद ये कलर ऑप्शन है, इस पर बैक फिर क्लिक करना है। इसके बाद सोर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद इसको इस तरीके से लगाना है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से अपने लगाना है इसको। हाँ, अभी ये हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा डिज़ाइन भी देगा, कलर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से एक कलर को सेलेक्ट करो और इसके बाद इसको यहाँ पे लगाओ, ठीक है, इस तरीके से लगाओ, यहाँ पे इस तरीके से लगाओ। और इसके बाद कलर वाला ऑप्शन भी क्लिक करो, रेड कलर क्लिक करो। इसके बाद इसको ऐसे करो, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से इसको करो। और फिर इसके बाद फिर दूसरा डिज़ाइन, तीसरा डिज़ाइन देगा, ठीक है। इस कलर पे क्लिक करना है, ओके करना है, फिर इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, इस तरीके से लगाना है, यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। अभी रेड कलर को फिर क्लिक करना है, ठीक है, इस तरीके से करना है इसको, इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। अभी ये एक सेट तो हो गया, अभी दूसरा सेट बाकी, वो कैसे करें वो तरीका भी आपको बताएगा। अभी थोड़ा पीछे डिज़ाइन देगा, ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके करना है, कलर पे से क्लिक करना है, यहाँ से एक कलर देना है, ठीक है, पीछे पीछे भी थोड़ा कलर देना है, इससे करना है डिज़ाइन देना है, ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन देना है पीछे, ये पीछे हो गया। अभी एक सेट तो बाकी है, वो कैसे करेगा वो तरीका भी आपको बताएगा। फिर उसके बाद ये शीशा जो है ये हिसाब करेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये चार कोने वाला जो ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना है, ओके करना है। उसके बाद ये शीशा जो है इसको साफ करना है, इस तरीके से इसको साफ करना है, ठीक है, इस तरीके से, ये आगे शीशा है, इसको इस तरीके से साफ करना है। और फिर इसके बाद ये शेडू वाला शीशा जो है इसको साफ करना है, ये दरवाजे वाला शीशा, इसको साफ करना है इस तरीके से, ये हो गया। और उसके बाद ये दूसरा सेट भी साफ करना है, ये भी हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ से काम ख़त्म हो गया, ठीक है, एक सेट बकाया, वो तरीका भी आपको बताएगा। ओके करना है, तो ओके क्लिक करने के बाद इसको गैलरी में सेव करना है, सेव का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी तो ये सेव हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने आना है ये टूल वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है।
और फिर उसके बाद क्रॉप करना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको इस तरीके से करना है, एक सेट पहले वो सेव करो, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरीके से करना है एक सेट, ठीक है, इस तरीके से। अभी ओके करना है, तो ओके करने के बाद इसको भी सेव करना है, ठीक है, इसको भी सेव करना है। तो दोस्तों ये भी सेव हो गया। आपने आना है बैक, बैक आ जाने के बाद आपने आना है वही लेवरी सिलेक्ट करना है जो आपने पहले सेव किया, इस पर क्लिक करना है। और फिर इसके बाद आपने आना है एयरपोर्ट पे क्लिक करना है। और फिर इसके बाद जो एक सेट सेव किया है उस पर क्लिक करना है, ठीक है, एड पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपने आना है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्ले रिटोट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और फिर इसके बाद इसको इस तरीके से लगाना है यहाँ पे, ये एक सेट जो है, इस सेट जो सादा सेट यहाँ पे लगाना है, ठीक है, इसको थोड़ा कम करना है, इसको यहाँ पे लगाना है, इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अभी ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ओके करना है, और ओके क्लिक करने के बाद नाम लिखना है, ठीक है, जो नाम आपको मर्जी है वही नाम लिखो। नाम लिखना है यहाँ पे बलोच, ठीक है, और डन पे क्लिक करना है। और डन क्लिक करने के बाद इसको पीछे लगाना है, इस तरीके से लगाना है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लगाना है। अभी ये हो गया, ये पीछे हो गया, और इसके बाद इसको डबल करना है, इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ये आगे शीशे है, इसको इस तरीके से लगाना है यहाँ पे, ये भी हो गया, ठीक है, ओके करना है। और उसके बाद नंबर प्लेट लिखना है, ठीक है, नंबर प्लेट पे एक नंबर लिखेगा, ठीक है, आर 4 6, ठीक है, ये भी हो गया। इसको नंबर प्लेट पे लगाना है, ये नंबर इस तरीके से लगाना है, ठीक है, थोड़ा कलर देना है, ये भी हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसको सेव करना है, डिलीवरी जो है वो सारा तैयार हो गया, ठीक है, इसको सेव करना है। तो दोस्तों ये लेवरी बनाने का तरीका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।